हेलो चिल्ड्रन, पीछे मैं एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। ये राइज अप नेशन यूरोप, इसमें मैं आपको 6 पॉइंट बताया था, क्योंकि आज मैं लास्ट लेक्चर ले रहा हूँ आपके इस चैप्टर का। तो एक बार रिवाइंड कर दे रहा हूँ सारा टॉपिक जो अभी आपने पढ़ा है। फिर आज लास्ट टॉपिक मैं नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म डिस्कस करूँगा, और साथ ही आज आपके लिए एक मैं क्वेश्चन पेपर भी तैयार किया हूँ, उसमें कुछ क्वेश्चन दूंगा जिसे आपको करना होगा। अब तक हमने डिस्कस किया था फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, जिसमें मैंने आपको 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद किस प्रकार के चेंजेज हुए हैं, मेजर चेंजेस, उसके बारे में मैंने डिस्कस किया। साथ ही उसके बाद मैंने आपको यहाँ पे नेपोलियन कोड के बारे में बताया, उसके कुछ जो रूल्स किया उसमें कुछ पॉजिटिव और निगेटिव पॉइंट को। सेकेंड टॉपिक मैंने बताया था द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, कि जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसका इफेक्ट यूरोप पे किस प्रकार पड़ा, और यूरोप के जो ग्रुप हैं, जो वहाँ के समूह हैं, जो स्टेज हैं, वो किस में बटे हैं, क्या है। एरिस्टोक्रेसी और पीसेंट्री के मैंने बारे में बताया, और मैंने आपको बताया था पीसेंट्री की कितनी हालत ख़राब थी, और उन पीसेंट्री के हेल्प के लिए एक नया ग्रुप आया था जिसे आप लिबरल नेशनलिज्म कहते थे। इनकी अपनी डिमांड थी कुछ, साथ ही किसकी डिमांड का क्या यूरोप में प्रभाव पड़ा, मैंने वो डिस्कस किया था। फिर कंजर्वेटिज़म मैंने डिस्कस किया था, ये कुछ 2-3 पॉइंट थे जिसको मैंने यहाँ पे डिस्कस किया था आपका। फिर इसके आगे मैंने आपका टॉपिक नेक्स्ट पढ़ाया था द एज ऑफ रेवोल्यूशन, 1830 से 1848 के बीच रेवोल्यूशन किस प्रकार हुआ, यूरोप में किस प्रकार वो आया है, क्या चेंजेस हुए हैं, ये डिस्कस किया था मैंने पिछले लेक्चर पे। इसमें आपको मैंने कुछ बताए थे जुलाई रेवोल्यूशन फ्रांस के बारे में, ब्राज़ील के बारे में, बेल्जियम के बारे में, ग्रीक के बारे में बताया था, मेकिंग ऑफ जर्मनी वगैरह बताया था। नेक्स्ट टॉपिक मैंने मेकिंग ऑफ जर्मनी और इटली बताया था किस प्रकार उनका हुआ। इसी में मैंने आपको कुछ नाम बताए थे, यहाँ मैंने एक नाम बताया था बिस्मार्क का, साथ ही मैंने आपके इटली के कुछ अन्य का नाम बताया था जिसको आपको ध्यान में रखना होगा, मेजनी का, गरिबाल्डी का, कैमिलो डी क्लेवर का, इमैनुअल सेकेंड का। ब्रिटेन के भी मैंने यूनिफिकेशन के बारे में बताया था, एकीकरण के बारे में। आगे मैंने डिस्कस किया था एक्ट ऑफ यूनियन वगैरह क्या है क्या नहीं है। लास्ट सेकंड लास्ट टॉपिक मैंने विजुलाइजिंग बताया था, विजुलाइजिंग द नेशन एलिगरी, जिसमें मैंने आपको समझाया था एलिगरी क्या होता था, जैसे हर एक देश का अपना एक प्रकार का सिंबल होता है, तो कुछ ये डिस्कस मैंने किया था एलिगरी के बारे में। आज आपका डिस्कस करते हैं लास्ट टॉपिक, और वो टॉपिक है नेशनलिज्म और इम्पेरियलिज्म। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत मज़ेदार टॉपिक है। इसमें सबसे पहले देखें नेशनलिज्म, मैंने आपको बताया था नेशनलिज्म क्या होता है, एक प्रकार की राष्ट्रीयता की भावना आना। इंपेरिज्म क्या होता है, अपने उस भावना का प्रसार अन्य देशों में करना, अगर मैं सिंपल कहूँ तो दूसरे देशों पे अपना राज कायम कर लेना, यही होता है इंपेरिज्म। ड्यूरिंग द एंड ऑफ 19वीं सेंचुरी के पास नेशनलिज्म स्टार्टेड, राष्ट्रीयता तो सब में आ ही गई थी, लेकिन अब वो राष्ट्रीयता चेंज हो रही थी इंपेरिज्म में। अब वो किस में चेंज हो रही थी, इंपेरिज्म, यानी जैसे एक देश में राष्ट्र की भावना आ गई, अब वो क्या चाह रहा था, किसी अन्य देश पे भी वो कब्जा जमाए और उसे भी अपने राष्ट्र में समाहित कर ले, इस प्रकार की सोच 19वीं सेंचुरी में बन रही थी। द पॉलिसी ऑफ एक्सपेंडिंग कंट्रीज पावर बाय यूज ऑफ मिलिट्री आर अदर मीन्स कॉल्ड इंपेरिज्म। इंपेरिज्म क्या होता है, अपने पॉलिसी को एक्सपेंड करना और भी देशों में मिलिट्री के द्वारा या किसी अन्य प्रकार से, यही होता है इंपेरिज्म। अगर मैं सब इजी शब्दों में कहूँ तो दूसरे देश पे कब्जा जमा लेना, वहाँ अपनी पॉलिसी को इस्टेब्लिश करना, अपने रूल और रेगुलेशन को इस्टेब्लिश करना, यही जन्म होता है इंपेरिज्म का, जो हुआ है इन फ्यूचर में, जैसे ब्रिटिशों ने राज किया है आपके भारत पे, यही होता है इंपेरिज्म, वह वर्ड जो नेशनलिज्म से डेवलपमेंट किया है। आगे इसी का परिणाम हुआ, क्या हुआ, और वो परिणाम हुआ था नेशनलिस्ट टेंशन स्टार्टेड इन बाल्कन एरा आफ्टर 1871। जब इंपेरिज्म की भावना आगे बढ़ी तो 1871 के बाद यूरोप का एक क्षेत्र है, उसे हम बाल्कन एरिया कहते हैं। इस बाल्कन एरिया में कुल 10 देश हैं, जिसमें सबसे बड़े रोमानिया, बुल्गारिया, ग्रीस, बेलारूस, कुछ इस प्रकार के 10 देशों को मिलाकर बनाया गया बाल्कन एरा। उसका जो ज्योग्राफिकल लिखा हुआ है, द बाल्कन वाज ए रीजन ऑफ ज्योग्राफिकल एंड एथनिक वेरिएशन, यहाँ तमाम प्रकार के भौगोलिक सीमाएं थी, तमाम प्रकार की जाति, तमाम प्रकार के लोग ये लोग रहते थे, और इन सारे
क्षेत्रों को मिलाकर बनाया गया था बाल्कन एरा। धीरे धीरे क्या हुआ, इस बाल्कन एरा के इन दसों देशों को जीता है ऑटोमन एम्पायर। ए लार्ज पार्ट ऑफ द बाल्कन्स वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। इन दसों देशों को जीतकर कभी ऑटोमन एम्पायर बना था, लेकिन जैसे जैसे समय बढ़ा ऑटोमन एम्पायर एक समय कमज़ोर हो जाएगा और कमज़ोर होने के बाद ये दसों राष्ट्र खुद को धीरे धीरे अलग करना शुरू कर देंगे कि भैया मैं अलग हो रहा हूँ ऑटोमन से, मैं अलग हो रहा हूँ। इस प्रकार 19वीं सेंचुरी के बाद कई सारे देशों का अस्तित्व आया। इन देशों का आना अच्छा नहीं रहा पूरे वर्ल्ड के लिए, क्योंकि जिस दिन ये देश एक दूसरे से अलग हुए, सॉरी देश नहीं मैं क्षेत्र कहूँगा, जिस दिन ये क्षेत्र आप अलग हो गए और देश बन गए, उसी दिन इनमें एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना आने लगी कि कैसे भाई रोमानिया कैसे ताकतवर हो रहा है, बुल्गारिया कमज़ोर हो रहा है, ग्रीस कैसे ताकत हो रहा है। इस प्रकार की इनमें भावना आने लगी और ये राष्ट्र आपस में एक दूसरे से युद्ध करने लगे। कहा जाता है इनका आपस में लड़ना विश्व में एक बहुत बड़े वार की शुरुआत है। देश जब तक छोटे हैं आपस में लड़ रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जब उस वार में बड़े देश इंट्रो कर लेते हैं तो वो खतरनाक हो जाता है। यही हुआ कुछ यूरोप में, क्योंकि इन छोटे छोटे राष्ट्रों की लड़ाई ने इनवाइट किया है 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वार, क्योंकि इन देशों की लड़ाई में टूट पड़े हैं जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे यूरोपीय देश, और उन्होंने जन्म दिया फर्स्ट वर्ल्ड वार को। कहा जाता है फर्स्ट वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो वर्ल्ड एक बार फिर बदला है और एंटी इंपेरियलिज्म ग्रुप डेवलप हुआ है। उस ग्रुप ने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए कार्य किया है। इस ग्रुप को बोला जाता है एंटी इंपेरियलिज्म ग्रुप, ऐसा ग्रुप जो केवल अपने नेशनलिज्म की भावना केवल अपने देश में रख रहा है, ना कि उसका प्रभाव किसी अन्य देश में पड़ रहा है। यही टॉपिक है आपका नेशनलिज्म और इंपेरियलिज्म, जो आकर इसी फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद समाप्त होता है। सिंपल, आपका फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुआ। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद एक ग्रुप आया, उस ग्रुप ने अपने देश के फ्रीडम के लिए बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी और उसी लड़ाई की समाप्ति के साथ आपके चैप्टर वन की समाप्ति होती है। ये आपका चैप्टर वन था जिसमें मैंने आपको 6 टॉपिक पढ़ाया है। इन 6 टॉपिकों को आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान से समझिए, क्योंकि आज मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। आप इन क्वेश्चन को करिएगा, इसको अपने शब्दों में लिखने की कोशिश करिएगा, ना कि बुक इज हेल्प लीजिएगा, क्योंकि जब आप इसको अपने ओन लैंग्वेज में देंगे तो वो देने से आपकी थिंकिंग जनरेट होगी। मैं ये नहीं कह रहा कि आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आएगा, लेकिन इतना मैं जरूर कह रहा हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर बनेंगे। और जब आप ये क्वेश्चन करके वो स्टोरी अपने दिमाग में रखिएगा तो आप किसी प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आए आप उसे बड़े आराम से सॉल्व करेंगे। तो मैं कम से कम 8-10 क्वेश्चन आपके लिए बनाया हूँ, कुछ लॉन्ग है कुछ शॉर्ट है। मैं आपको ट्रू फॉल्स और फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन नहीं बनाया, मैं शॉर्ट क्वेश्चन बनाया हूँ और लॉन्ग क्वेश्चन बनाया हूँ, क्योंकि मुझे लगा अगर आप इन क्वेश्चनों का आंसर दे देंगे तो आपके लिए ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स जैसे क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। आप इसको सॉल्व करके बड़े आराम से उसको सॉल्व कर लेंगे, इसलिए मैं आपके लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बनाया, लॉन्ग क्वेश्चन ज़्यादा बना लिया, शॉर्ट ज़्यादा बना लिया। सिंपल मैं कहूँ तो इन क्वेश्चनों में मैं आपके 6 पार्ट को कंसाइज करने की कोशिश किया हूँ। हालांकि और क्वेश्चन अभी और बन रहे थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस और बनाना चाह रहा था, लेकिन मैं सोचा आपका होमवर्क ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आपके ऊपर अन्य सब्जेक्ट का भी लोड है, इसलिए मैं 8-10 क्वेश्चन ही बस आपके लिए बनाया हूँ। आप इसे सॉल्व करिएगा, जिस दिन हमारा इंटरेक्शन होगा उस दिन मैं आपको आपके दिए गए आंसर को चेक करूंगा, कहाँ क्या गलती रह गई, किस प्रकार का मिस्टेक हुआ, क्या लिखा जाना चाहिए था, ये मैं आपको क्लास में एक्सप्लेन करूंगा और उसी दौरान मैं इसमें आपकी कमियों को भी बताऊंगा। इसलिए क्वेश्चंस तो आप ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं अपलोड करूंगा तो उस वीडियो में मैं आपका चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करूंगा।
हिस्ट्री तो खुद अपने आप में बहुत मज़ेदार सब्जेक्ट है, बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि ये फर्स्ट चैप्टर है, सेकंड चैप्टर से और स्टोरियाँ हैं, बहुत सारा टॉपिक है और उस टॉपिक को पढ़ के बड़ा मज़ा आने वाला है। लेकिन ये थोड़ा एक तरह से समझिए आपके बुक का इंट्रो है, और ये इंट्रो अगर तैयार हो गया तो आगे आपको अच्छा खासा हेल्प मिलेगा अन्य टॉपिकों में। बुक के लास्ट में कुछ वर्ड्स को डिफाइन किए गए हैं, जैसे नेशनलिज्म, इंपेरिज्म, ये सारे वर्ड्स डिफाइन किए गए हैं, 8-10 वर्ड है, तो जिस दिन मेरी मुलाकात होगी उस दिन मैं दूंगा उस वर्ड्स को, क्योंकि कई कई बार डिफाइन करने के लिए पूछा था, डिफाइन वर्ड दे देगा, डिफाइन दिस वर्ड, तो मैं हालांकि कुछ वर्ड्स तो आपका डिफाइन ही किया हूँ, कुछ ग्रुप मैंने बताया भी था, उससे रिलेटेड मैं क्वेश्चन भी बनाया हूँ, लेकिन जिस दिन मुलाकात करूंगा कुछ और वर्ड्स को भी आपको दूंगा, आप उसे करिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन बड़े अच्छे अच्छे बने हैं। ये पेपर मैं आपके लिए बनाया हूँ, उस पेपर को एक बार देख लीजिए आप लोग, ये है पेपर, ये पेपर है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट वाज द मेजर चेंज दैट अकर्ड इन द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल सिनेरियो ड्यू टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन इन यूरोप। मेजर चेंज बताना है आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद यूरोप में। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा लेंदी है, आप इसे 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा, थोड़ा देखता हूँ आपकी थिंकिंग किस प्रकार बनी है यूरोप में जो हालात चेंज हुए हैं। सेकेंड वन है, व्हाट वाज द मेन एम ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशनरी, सॉरी, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन किए थे जो लोग, उनका मेन एम क्या था, पर्पज क्या था, आप उसको पॉइंट में लिखिएगा, ये भी कम से कम 100 वर्ड्स में लिखने की कोशिश करिएगा, ये दो क्वेश्चन लॉन्ग है 100 वर्ड्स के। क्वेश्चन नंबर 3 शॉर्ट क्वेश्चन है, नेम द ट्रीटी ऑफ 1832 दैट रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन, कौन सा वो ट्रीटी हुआ था, एक दो वर्ड्स में आप इसे लिखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन बनाया मैंने। एक्सप्लेन एनी 3 बिलीफ्स ऑफ द कंजर्वेटिज्म दैट एमर्ज्ड आफ्टर 1815 के बाद किस प्रकार वो एमर्ज हुआ, कंजर्वेटिज्म किस प्रकार एमर्ज हुआ, इसके बारे में आपको लिखना है 50 वर्ड्स में। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ बिस्मार्क इन जर्मन यूनिफिकेशन, मैंने आपको जर्मनी का एकीकरण बताया था, उसमें बिस्मार्क का मैंने नाम बताया था, थोड़ा आप उसका कंट्रीब्यूशन मुझे बताइए, क्या कंट्रीब्यूट हुआ, किस प्रकार किया, किस प्रकार ग्रुप को इकट्ठा किया, कैसे लड़ाई लड़ी, क्या है, इसको आपको लिखना है, ये भी 50 वर्ड्स में लिखिएगा। नेक्स्ट वन, मैंने इटली से रिलेटेड क्वेश्चन बनाया, एक्सप्लेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ गुशप मैजनी इज स्प्रेडिंग रेवोल्यूशनरी आइडिया इन यूरोप, यूरोप में किस प्रकार वह नेशनलिज्म की भावना लाया, किस प्रकार यूनिफिकेशन किया इटली का, इससे रिलेटेड क्वेश्चन मैंने बनाया, थोड़ा मेजनी का योगदान बताइए, कंट्रीब्यूशन जैसे बिस्मार्क का बना रहे हैं, 50 वर्ड्स में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, डिस्क्राइब एनी 3 रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस बाई नेपोलियन इन द टेरिटरी ही कंकर्ड, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने आपको बताया था नेपोलियन कोड कितना इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है, क्वेश्चन के मॉडल को मैंने थोड़ा चेंज कर दिया, मैं आपको नेपोलियन कोड नहीं पूछा, उसके बजाय मैं आपका पूछ रहा हूँ रिफॉर्म्स बताइएगा उसका, 3 पॉइंट इसमें भी आपको बताना होगा, और उस 3 पॉइंट में आप मुझे उसके रिफॉर्म्स को बताइए, ये 7 क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन और मैंने बनाया था, वो क्वेश्चन है डिफाइन कीजिए कुछ वर्ड्स को, एरिस्टोक्रेसी मैंने डिफाइन किया है, पीसेंट्री एंड जोलोवीरियन, ये 3 वर्ड्स हैं, इसके बारे में आपको लिखना है कम से कम 20 वर्ड्स लिखिए इनके बारे में, थोड़ा डिफाइन करिए, पॉइंट वाइज मुझे चाहिए नहीं, आप पूरा लैंग्वेज टाइप उसको दीजिएगा, स्टोरी टाइप का, ये मुझे समझाइएगा क्वेश्चन। तो ये 8 क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, और इन 8 क्वेश्चंस को आपको करके रखना है, जिस दिन हमारी मुलाकात होगी मैं इन क्वेश्चन के आंसर को चेक करूंगा, और उसकी क्या कमियां हैं, क्या कहां क्या कम रह गया, क्या ग्रामेटिकल मिस्टेक किया, क्या आपने स्टोरी लिखी है, क्या लिखा है, क्या क्वेश्चन से इधर उधर तो नहीं हो गए, केवल स्टोरी लिख दिए हैं, ये सब मैं देखूँगा और उसके अकॉर्डिंग आपकी कमियों को बताऊँगा। तो ये है चैप्टर वन हिस्ट्री का, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, आपका ये चैप्टर फिनिश हो रहा है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चैप्टर 2 के साथ शुरू करेंगे, आगे जैसे जैसे हिस्ट्री बढ़ता जाएगा वैसे आपका पूरा हिस्ट्री बड़ा मज़ेदार बनेगा। हिस्ट्री जब कंप्लीट हो, कुछ एक दो चैप्टर हो जाएंगे, उसके बाद अदर्स SST के सब्जेक्ट में स्टार्ट करूँगा, लेकिन फिलहाल अभी आप चैप्टर 1 एक बार फिर वीडियो सारा मेरा देखिएगा, और उसके अकॉर्डिंग ये 8 क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात करेंगे चैप्टर नंबर 2 के साथ, इसको अपने लैंग्वेज में लिख के आप रखिएगा, जिस दिन मुलाकात होगी मैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर को चेक करूंगा। ओके, थैंक यू।